सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का पहला दिन, 5 घंटे 40 सवालों की बौछार, फिर भी आरोपों से इनकार, आज फिर बुलाया गया। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बुधवार को लगभग 5 घंटे की लंबी पूछताछ चली। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उनसे करीब 40 सवाल पूछे गए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में किसी भी तरह की संपत्ति होने से इनकार किया। वहीं वाड्रा ने यह भी कहा कि उनका संजय भंडारी से कोई लेना देना नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय गुरुवार को भी वाड्रा से पूछताछ करेगा। वाड्रा को गुरुवार सुबह 10:30 बजे बुलाया गया है। बता दें कि इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा को उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर छोड़ने गई थी। बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा वाड्रा संदिग्ध वित्तीय लेन देन के आपराधिक आरोपों के सिलसिले में किसी जांच एजेंसी के समक्ष पेश हुए हैं। वाड्रा ने पहले इन आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि राजनीतिक बदले के लिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।